मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत ओरलहा पंचायत के कर्णपट्टी वार्ड नंबर 14 का है। मृतक के परिजनों ने बताया कि हमारी पत्नी को बगल के ही दबंग लोगों ने डायन बताकर गोली मार दी, जिसे इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही त्रिवेणीगंज SHO संदीप कुमार ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर मृत शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुपौल सदर अस्पताल भेज दिया। SHO संदीप कुमार सिंह ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है, आगे की कार्यवाही जारी है। अब देखना लाजमी होगा कि मृतक के परिजनों को दबंग लोगों से कब तक न्याय मिल पाता है, या सुशासन बाबू के राज में ऐसे ही दबंग लोगों की मोनोपाली बढ़ती रहेगी। बाइट सर आपका कहाँ घर है? ये महिला क्या लगेगा आपको? अच्छा, क्या मामला था इसको, क्या हुआ? मामला यही था कि औरत सब की जो है लड़ाई झगड़ा भी करता था, ये जान जोगिंद है, इसलिए इसको पहले से इंद्रदेश रखा था जो हम इसको मार देंगे। सामान वामान भी लाया गया था खरीद के, उनके लड़का लोग जो है रामदेव यादव, शामदेव यादव, संजय यादव और उनका लड़का है मनोज यादव, ये लोग ग्रुपिंग करके जो है इनको क्यों मारा गोली, इसको क्या मामला था, मतलब क्या कहता था कि ये डाइन है, जोगिंद है, अभी पकड़ा भी है किसी को? अभी मनोज यादव जो है थाने में है। एक आदमी को पकड़ा है? जी जी, जो मेन जो आदमी है उसका घर कहाँ है? उनका भी पड़ोसी है हमारा, इनका पड़ोसी वार्ड नंबर 14। आप लोग टोटल कर्णपट्टी वार्ड नंबर 14 के ही हैं? जी जी जी। क्या नाम हुआ? जागेश्वर माता। कहाँ घर है? कर्णपट्टी वार्ड नंबर 14। क्या मामला था? क्या मामला हुआ? आप कौन है? आपका पत्नी है। क्या क्या हुआ इसको? गोली मार दिया। क्या मारा गोली? रामदेव मेहता। क्यों? रामदेव यादव। क्या मामला था? जो मनोज यादव, रामदेव यादव, मनोज यादव। और क्या मामला था? और क्या था? और क्या था? क्या मामला था जो गोली मारा? उनके बारे में। क्या कर रहा था? हाँ, कह के गोली मारा। कब मारा गोली? रात में। घटना घटी है ओरला पंचायत में कर्णपट्टी का, क्या मामला था? आज रात्रि सुबह, आज सुबह करीब 2:15 बजे सूचना मिली कि एक रेणु देवी नाम की महिला, उम्र उनका करीब 40 वर्ष है, अस्पताल आई हुई है और उनके सिर ललाट में बाएं तरफ गोली का निशान है और उसी से इनकी मृत्यु हुई। तत्साथ वहाँ जा करके उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उनके पति द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र दिया गया है, इसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई अभी की जा रही है। गिरफ्तारी भी है उसमें क्या? अभी नहीं, पूछताछ जारी है और जाँच जारी है। गोली का मतलब उसकी मौत हो चुकी है? उसकी मृत्यु हो गई है यहाँ पर, वो अस्पताल में उसे ब्रॉड डेड मैंने मृत ही लाया गया था। अच्छा, उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।